हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। स्टेटमेंट ध्यान से समझना, स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। ध्यान से देखो, उसने बोला ईला रीड्स 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ईला ने टोटल कितने पेजेस पढ़े? 25 पेजेस। उसके अंदर टोटल पेजेस कितने थे? 100। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ से तो आपको पता है ईला ने टोटल कितने पढ़े, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो? दैट ईला रीड, ईला ने कितने रीड किए? 25 आउट ऑफ 100। 100 पेजेस में से उसने 25 पेजेस रीड कर लिए। आफ्टर दैट ललिता रीड, ललिता ने भी सेम बुक पढ़ी, ललिता ने सेम बुक पढ़ी, लेकिन उसने अब कंडीशन क्या दे दी? दैट 2/5 ऑफ द सेम बुक। 2/5 ऑफ सेम बुक, टोटल कितने पेजेस थे? 100 पेजेस। तो बेटा 2/5 ऑफ 100 निकालूंगी, टोटल कितने पेजेस थे? सबसे पहले ये निकालूंगी, तभी तो कंपेयर करूंगी, उसने कितने पेज पढ़े, उसने कितने पेज पढ़े। तो यहाँ से देखो, इसने क्या किया? 2/5 ऑफ सेम बुक, सेम बुक का मतलब क्या? टोटल कितने पेजेस हैं? 100 पेजेस। तो क्या आ गया यहाँ से? 2/5 ऑफ सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड 100 क्या आ जाएगा? इंटू 100। तो 5 1 5, 5 2 10 एंड 0, तो यहाँ से कितना आ गया? 40 पेजेस। अब ललिता ने कितने पेजेस पढ़े? 40। ईला ने कितने पेजेस पढ़े? 25। उसने पूछा हु रीड लेस, किसने कितना, किसने लेस पढ़ा, किसने कम पढ़ा, किसने कम पढ़ा? ईला ने। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से? ईला। क्लियर? नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। रफीक एक्सरसाइज 4, 3/6 ऑफ एन आर। ध्यान से देखना, रफीक की बात हो रही है। रफीक ने एक्सरसाइज की, और कितनी एक्सरसाइज की? ध्यान से देखना बेटा, रफीक ने एक्सरसाइज की, और कितनी एक्सरसाइज की? 3/6 ऑफ एन आर। रफीक ने कितनी एक्सरसाइज की? 3/6 ऑफ एन आर, एक घंटे का 3/6 पार्ट, राइट। आफ्टर दैट रोहित एक बंदा है, रोहित ने एक्सरसाइज की, रोहित ने कितनी एक्सरसाइज की? 3/4 ऑफ एन आर, ऑफ एन आर। सबसे पहले मेरे को ये बताना है कि इसने कितने मिनट किए, इसने कितने मिनट किए, तभी तो मैं कंपेयर करूँगी ना बेटा कि किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए इसने कितने मिनट किए, इसने कितने मिनट किए। एंड वी नो दैट बेटा 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes। So we can change this an hour with 60 minutes, right? तो यहाँ से कितना आ गया? 3/6 of 60 minutes, right? Of stands for multiplication, so 3/6 into 60. So 6 1 6, 6 10. तो यहाँ से कितना आ गया? 3 into 10, 30. कितने मिनट? 30 मिनट। यानी कि रफीक ने टोटल कितने मिनट एक्सरसाइज की बेटा? 30 मिनट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं रोहित ने टोटल कितनी एक्सरसाइज की। तो रोहित ने कितनी की? ध्यान से देखना बेटा, एन आर, एक घंटा, एक घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यहाँ से कितना आ गया? 3/4 ऑफ 60 मिनट्स, 3/4 ऑफ 60 मिनट्स। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ गया? 3/4 ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय 60 मिनट्स? इंटू 60। 4 1 4, 4 5 20, तो कितना आ गया? 15 into 3, यानी कि 45 मिनट्स। नाउ टेल मी, इसने 30 मिनट एक्सरसाइज की, इसने 45 मिनट एक्सरसाइज की, तो किसने ज़्यादा एक्सरसाइज की? रोहित। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? रोहित। क्लियर? नाउ मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? इन अ क्लास ए, ए कोई क्लास है, उसमें 25 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं बेटा? टोटल 25, एंड 20 पास इन फर्स्ट क्लास, और 20 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं विद फर्स्ट क्लास। इन अनदर क्लास बी, एक क्लास है आपकी बी ऑफ 30 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं? 30, एंड 24 पास इन क्लास, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास? ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्लास ए, यहाँ बात करूँ क्लास बी, तो क्लास ए के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला? टोटल स्टूडेंट्स आर 25, टोटल स्टूडेंट्स आर 25, एंड पास इन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास से कितने पास हुए? पास इन फर्स्ट क्लास कितने?
20. इन सेम वे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल, तो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30 एंड स्टूडेंट्स पास्ट स्टूडेंट्स विद फर्स्ट क्लास. तो फर्स्ट क्लास से कितने स्टूडेंट पास हुए बेटा टोटल 24. नाउ वी हैव टू टेल फ्रैक्शन, कौन से का फ्रैक्शन ज़्यादा है, ए से ए ए क्लास का या बी क्लास का. वी यू नो वेल बेटा फ्रैक्शन क्या होता है, जितना पास हुआ डिवाइडेड बाई टोटल, यही होता है. यानी कि जितना मेरे को चाहिए, कितना चाहिए 20, और टोटल हमेशा क्या बनता है डिनोमिनेटर, तो कितना आ गया 20/25. जितना कैंसिल होता है कैंसिल करो, 5 4 20 एंड 5 5 25, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा 4/5. क्लियर? नाउ मूव ओवर बी. अब यहाँ से अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो फ्रैक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, कितने बच्चे पास हुए 24, और कितने से टोटल, कितने में से 30 में से 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 4 24 6 5, तो ये भी कितना आ गया 4/5. ठीक है, यहाँ से भी 4/5 फ्रैक्शन, यहाँ से भी 4/5 फ्रैक्शन. इसने क्वेश्चन क्या पूछा, इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास. यहाँ तो ग्रेटर और स्मॉलर हुआ ही नहीं, यहाँ क्या आ गया इक्वल. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास. क्या लिखोगे, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग फर्स्ट क्लास. ठीक है, तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.